अच्छा देखिए, ब्लड टेस्टिंग क्या होता है या ब्लड टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इसी के हवाले से आज हम एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। बेसिकली ब्लड रूटीन टेस्ट इसको हम नाम देंगे। ब्लड रूटीन टेस्ट यानी कि हम वो टेस्ट जो हम रेगुलरली 6 मंथ्स के ड्यूरेशन पे करते जाए, ताकि हम अपने बॉडी के बारे में जानकारी हासिल करें कि भाई हमारे बॉडी में मौजूद नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग्स होते हैं या नहीं होते हैं। लाइक लेट सपोज हम अपने नॉर्मल रूटीन के साथ गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी में चेंजिंग है या नहीं है, तो हम हर 6 मंथ्स के बाद जब हम अपने टेस्ट करेंगे तो हमें अपने बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी एक पेशेंट की, हमारे पास आया, उनको मुख्तलिफ डॉक्टर्स मुख्तलिफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे थे, लेकिन बाद में ब्लड टेस्टिंग के जरिए पता चला कि उनके बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। उस कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज्यादती की वजह से वो उन कंफ्यूजन का या उन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा था। तो लिहाजा हमें अपने बॉडी के बारे में क्या पता है कि क्या हो रहा है, और हमें अपने बॉडी के इंटरनल जो भी रूटीन है या हमारे बॉडी के इंटरनल जो भी सिचुएशंस है उनको हम फील नहीं कर सकते या हम उनको देख नहीं सकते। तो लिहाजा अगर देखना है या हमने अपने बॉडी के बारे में पता लगाना है तो हम क्या करें, ब्लड रूटीन टेस्ट करें। तो ब्लड रूटीन जो टेस्ट होते हैं ये बहुत लाजमी होते हैं कि 6 महीने में एक दफा कराया जाए। अगर आप 6 मंथ्स में एक दफा यानी कि इन रूटीन टेस्ट को रिपीट नहीं करते हो, तो 6 मंथ्स में आपने यानी अगर नहीं करना है तो 1 ईयर के बाद लाजमी करनी होगी। क्यों? बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में जन्म तो लेते हैं लेकिन उसी वक्त हमें नहीं पता चलता, जब वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि एड्स की बीमारी हो, एचआईवी वायरस बॉडी में दाखिल होता है पता नहीं चलता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पता लगने लगता है आफ्टर 6 मंथ्स, तब उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए अगर आप उसको रूटीन टेस्ट बनाओगे, रूटीन टेस्ट के जरिए आप उस एचआईवी को उसी फर्स्ट 6 मंथ्स में टेस्ट करके उसे यानी कि डायग्नोस करोगे, तो आप उस मुश्किल से निकल सकते हो या उस पेशेंट को आप निकालने की तरफ लेके जा सकते हो। इसी तरीके से ये रूटीन टेस्ट इसलिए यानी कि लाजमी है ताकि आप यानी कि अपने आप को या उस पेशेंट को उस मुश्किल से निकाल सको। मैंने जैसे आपको बताया कि 6 मंथ्स में लाजमी ये टेस्ट करना, अगर आप 6 मंथ्स में नहीं करते तो जरूरी है कि साल में एक दफा कराया जाए, ताकि आपको अपने बॉडी के बारे में पता चल जाए, ताकि आपकी बॉडी में मौजूद जो यानी कि कंडीशनिंग है उसी के बारे में आपको पता चल जाए। हाउ ऑफन शुड आई गेट दीज यानी कि टेस्ट, अगर हमें इन्हीं टेस्ट को करना हो तो हम इन टेस्ट को अक्सर कितने टाइम करें। जैसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि 6 महीने के बाद इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद आपने लाजमी उन टेस्ट को रिपीट करना होगा, ताकि आप अपनी बॉडी के नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शन के बारे में पता कर सको। ठीक है, यू आर एक्सपीरियंसिंग, या अगर आप कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी में, जैसे आपको पेन है, आपको फेवर है, आपको आपके बॉडी में चेंज महसूस हो रहा है, तो उस वक्त आपने जाना है और अपने टेस्ट कराने हैं, जो कि आपका रूटीन टेस्ट कहलाया जाएगा, ब्लड रूटीन टेस्ट। इसलिए ताकि आप अपने बॉडी में मौजूद उन चेंजिंग को देख सको कि जो आपके बॉडी में आगे जाके मजीद कॉम्प्लिकेशन कास करेंगे। ठीक है, इसके बाद यू वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने हेल्थ को, सेहत को मजीद बेहतरीन रीजन की तरफ लेके जाओ, मजीद एक्सेलेंस की तरफ लेके जाओ, आप अपने आप को वेल बीइंग की तरफ लेके जाओ, ठीक, तो लिहाजा उस वक्त आपने क्या करना है, आपने अपना ब्लड रूटीन टेस्ट कर रहे हैं कि आया आपके बॉडी में मौजूद हेमोग्लोबिन, आपके बॉडी में मौजूद आरबीसी, आपके बॉडी में मौजूद, इवन तो अगर हम अपने बॉडी में मौजूद इन प्लाज्मा या इन प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर अगर हम अपने बॉडी में मौजूद इन एंजाइम्स की बात करते हैं, हम अपने बॉडी में मौजूद इन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो इन्हीं से भी हम अंदाजा लगाते हैं कि इनकी कमी या इनकी ज्यादती आपको बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। तो इनकी कमी या इनकी ज्यादती जो है वो एक स्पेसिफिक बीमारी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा उन स्पेसिफिक बीमारियों की तरफ एक इशारा करना और उन बीमारियों की तरफ जाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हीं ब्लड रूटीन टेस्ट को करेंगे, और इस रूटीन टेस्ट के जरिए हम अपने सेहत को मजीद बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए यानी कि हम अपने सेहत को मजीद बेहतर वैल्यू की तरफ लेके जाते जाएंगे, तो इसी के लिए आप क्या करेंगे, आप यही ब्लड रूटीन टेस्ट का यानी कि रिपीटेशन करते जाएंगे साल में एक दफा, ताकि आपके बॉडी में आपको पता चल जाए कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल किस कदर है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, ये तमाम चीजें, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती आपको कार्डियक डिजीज की तरफ
दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उन बीमारियों से अपने आप को निकालने के लिए आपने करना क्या होगा, आपने यही ब्लड रूटीन टेस्ट करना होगा, ठीक है। या सेकेंडली, अगर आप अपने बॉडी से रिस्क को निकालते हो, रिस्क को खत्म करते हो, यानी कि आप उन रिस्क से बचना चाहते हो और आप अपने आप को सेहतमंद देखना चाहते हो, तो आप यही रूटीन टेस्ट करेंगे और इन्हीं रूटीन टेस्ट के जरिए आप डायग्नोस कर सकते हो कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कौन से एबनॉर्मल फंक्शनिंग है या कौन से एबनॉर्मल वैल्यूज है जो होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये साल में जैसे कि वंस इन अ ईयर, और आप इसको जैसे मैंने बता दिया 6 months में कर, यानी कि करना है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू देन इन अ ईयर आपने साल में एक दफा लाजमी ये रूटीन टेस्ट करने हैं। और इन रूटीन टेस्ट का फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गन्स, आपकी किडनीज, आपके लिवर, जैसे कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी में मौजूद तमाम ऑर्गन्स क्या अपने काम एक्यूरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इनको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यही रूटीन टेस्ट कर लेंगे। अब ये रूटीन टेस्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, इन रूटीन टेस्ट में से हमारे पास CBC द कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स, हम हेमोग्लोबिन, हम WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, हम यानी कि ये CBC में हम मालूम कर देंगे, हम प्लेटलेट्स काउंट हम मालूम करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। यही हमारे इसी रूटीन टेस्ट का हिस्सा रहेगा। सेकेंडली, हम बेसिक मेटाबॉलिक पैनल मालूम करेंगे, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिक पैनल हम मालूम करेंगे, हम थायराइड पैनल मालूम करेंगे कि आया आपकी बॉडी में मौजूद T3 T4 कि क्या वैल्यू है। नेक्स्ट वी कैन डू दिस टेस्ट फॉर आयरन एंड विटामिन बी, या हम विटामिन्स के लिए, आयरन के लिए हम इन्हीं टेस्ट को यानी कि कर सकते हैं। और यही हमारे रूटीन टेस्ट है, चाहे वो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ठीक है, एंड व्हाट एवर द टेस्ट फॉर, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है या थायराइड टेस्ट है। तो यही टेस्ट हम किस लिए करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अपने बॉडी के बारे में पता चल जाए। इसके अलावा हम इंजाइम्स मार्कर्स, कुछ इंजाइम्स ऐसे होते हैं, खासतौर पर लिवर, अगर हेपेटाइटिस हो या लिवर इन्फ्लेमेशन हो या लिवर में या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, तो उस दौरान लिवर से या लिवर सिरोसिस हो, तो लिवर से कुछ इंजाइम्स खारिज होंगे जो कि हम बाय द नेम ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो उन इंजाइम से हमें अंदाजा लगेगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। उन चेंजिंग को जाहिर करने के लिए यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू योर रूटीन टेस्ट। आपने इन्हीं इंजाइम्स को कौन से टेस्ट में मालूम करना है, रूटीन टेस्ट में। और यही रूटीन टेस्ट में जो इंजाइम्स की वैल्यू है वो आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज के बारे में बताएंगे, जो कि आगे हम आके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स है, अब HIV वायरस दाखिल हुआ लेकिन आपको पता नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर वो तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स का पता ही नहीं होता, लेकिन अगर आप रूटीन टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई यू हैव HIV इन योर बॉडी। तो आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, इलाज कर सकते हो। लेकिन अगर एक दफा ये वायरस अपने उस स्टेट से गुजर गया तो दोबारा उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर रूटीन टेस्ट टू नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशन ऑफ योर बॉडी। इसी तरीके से व्हाई डू सम ब्लड टेस्ट रिक्वायर फास्टिंग, कुछ टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हम करते हैं, जैसे शुगर टेस्ट हम करते हैं, तो इन शुगर टेस्ट के लिए फास्टिंग क्यों जरूरी होता है। देखो, अगर आपने खून में मौजूद शुगर लेवल को मालूम करना है तो उससे पहले अगर आप मिठाई गुलाब जामुन खा चुके हो, उससे पहले अगर आप यानी कि डेट्स खजूर खा चुके हो, या आप अपने खुराक में ऐसे न्यूट्रिएंट्स को खा चुके हो जो उस ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, और आपने ऑन द स्पॉट टेस्ट किया तो खून में मौजूद ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा आएगा। इसीलिए हम आपको फास्टिंग कंडीशन में लेके जाएंगे, 8 से 12 घंटों तक आपने कुछ नहीं खाना है, ताकि आपके खून में मौजूद वो जो ग्लूकोज लेवल है वो हमें एक्यूरेट होके मिले। इसीलिए कुछ टेस्ट को फास्टिंग की जरूरत होती है। फास्टिंग से मुराद आपने खुराक नहीं लेना होता है 8 से 12 घंटों के लिए, ठीक है। तो उन फास्टिंग 8 से 12 आवर्स के लिए, उन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है आइए देखते हैं। तो टेस्ट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, और ग्लूकोज टेस्ट है। ये वो टेस्ट है जिसमें आपको फास्टिंग की जरूरत है। 8 से 12 घंटे आपने फास्ट करना है, आपने कुछ खाना पीना नहीं है, यानी आपने खाना नहीं है ताकि आपके खून में मौजूद जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है या आपके बॉडी खून में मौजूद ग्लूकोज या आपके खून में मौजूद जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है वो ऊपर नीचे ना हो सके, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये टेस्ट कितना टाइम लेते हैं, सिंपल सी बात, CBC है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है या लिपिड पैनल है, ये आपको विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर, आपको 1 घंटे के बाद 45 मिनट्स के बाद आपको उनके रिजल्ट मिलते जाएंगे। लेकिन कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल नीड्स 24 to 72 आवर्स, ठीक है, 24 से 72 घंटों के बीच में ये रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
अगर हम फर्दर मोर अगर हम सीबीसी की तरफ चले जाए तो वी हैव 10 इंपॉर्टेंट एंड 10 कॉमन यानी कि टेस्ट, हमारे पास 10 कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसी की तरफ हम चलते हैं। दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट। तो उन 10 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट में से हमने प्रीवियसली डिस्कस कर देखे, एक सीबीसी एक बेसिक मेटाबॉलिक पैनल है, लिपिड प्रोफाइल है, ठीक है, या फिर आप टेस्ट करते हो, ठीक है, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। तो इसी तरह उनमें पहला जो हमारे पास मौजूद है दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट को हम सीबीसी के नाम से याद करते हैं, सीबीसी के नाम से कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है। ये कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है ये हमें 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बता देता है, 10 मुख्तलिफ अज्जा के बारे में हमें बताता है जो हमारे खून में मौजूद है। उनमें मौजूद हमारे कौन कौन से अज्जा होते हैं, हमारे यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड में मौजूद हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, हमारे रेड ब्लड सेल्स है, हमारे प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स काउंट, व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंट को मालूम करना, रेड ब्लड सेल्स की काउंट को मालूम करना, हेमोग्लोबिन को मालूम करना, ठीक, ये हम कौन से टेस्ट में करते हैं, सीबीसी में करते हैं। तो अगर हमने रेड ब्लड सेल्स को मालूम करना, हेमोग्लोबिन को, भाई आप एनीमिया है, खून की कमी है, ब्लड डेफिशिएंसी है, तो मैंने कौन सा टेस्ट करना होगा, ब्लड रूटीन टेस्ट। ब्लड रूटीन टेस्ट में से कौन सा है, सीबीसी। सो सीबीसी मुझे आपके हेमोग्लोबिन, आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट। तो इसी सीबीसी के जरिए, इसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के जरिए आप मालूम कर सकते हो कि आपके खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की काउंट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंट क्या है, और आपके खून में मौजूद प्लेटलेट्स कैसे हैं, और आपके खून में मौजूद हेमोग्लोबिन की क्या वैल्यू है। तो इसी तरीके से अगर देखिए नॉर्मली आपके रेड ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो इन मैन के अंदर, आदमी के अंदर 4.32 to 5.72 मिलियन सेल्स यानी कि होने चाहिए, ये आपका मैन के अंदर, आदमी के अंदर नॉर्मल वैल्यू। व्हाइल इन वुमेन, फीमेल के अंदर मौजूद जो काउंट है दैट इज 3.90 to 5.03 मिलियन सेल्स जो है वो होने चाहिए। इसी तरीके से ये हमारे पास हमारे आरबीसी टेस्ट हुए। तो इसका मतलब अगर मैंने किसी के रेड ब्लड सेल्स को मालूम करना हो तो मुझे क्या करना होगा, ब्लड रूटीन टेस्ट। और ब्लड रूटीन टेस्ट में मैंने क्या कौन सा टेस्ट लिया, सीबीसी टेस्ट लिया, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट मैंने लिया। इसी तरीके से हमारे पास डब्ल्यूबीसी टेस्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स टेस्ट है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद है दैट इज फ्रॉम यानी कि 3500 to 10500, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है सेल्स की। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू कम आता है या ज्यादा आता है तो इस ज्यादा या कमी को यानी कि क्या चीज आपकी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों को जाहिर कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स की कमी जो है वो आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में और ज्यादती मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपको बता सकता है। क्लियर। इसी के साथ साथ हम अगर प्लेटलेट्स काउंट को देखें तो यहाँ पे मौजूद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक मौजूद सेल्स जो है वो होते हैं। तो अगर इस वैल्यू से आपके प्लेटलेट्स कम आते हैं या ज्यादा आते हैं तो आप समझे कि आपके बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियां हैं, आपके बॉडी में मौजूद यानी कि मुश्किलात हैं या आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं हेमोग्लोबिन मालूम करता हूँ तो हेमोग्लोबिन मैन में आदमी में मौजूद 13.5 से 17.5 तक है नॉर्मल वैल्यू, जबकि वुमेन के अंदर 12.0 से 15.5 ग्राम पर डेसिलीटर है। तो अगर इन वैल्यू से फीमेल की वैल्यू यानी इंटरचेंज हो तो हम समझ सकते हैं कि इनमें मौजूद खून की अगर 12 से एक फीमेल में मौजूद ब्लड 12 से कम आए, जैसे हम किसी फीमेल का टेस्ट करते हैं और ब्लड जो है हेमोग्लोबिन वैल्यू इस ब्लड टेस्ट में सीबीसी में हमें 8 मिलता है या 9 मिलता है, तो 8-9 जो है ये 12 से कम है, उस नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फीमेल को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब है ब्लड डेफिशिएंसी है, खून की कमी है। इसी तरीके से हम हेमोक्रेटिक वैल्यू भी यानी कि हेमोक्रेटिक वैल्यू जो मेन में है दैट इज 38.8 to 50.0% और वुमेन के अंदर जो है वो 34.9 to 44.5% जो है। ये नॉर्मल वैल्यूज हमें याद करने होंगे। जब हम इन नॉर्मल वैल्यूज को याद करते हैं तो हम यानी पेशेंट में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें मौजूद सीबीसी के जरिए कौन कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं और हम इस सीबीसी के जरिए उन प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लेवल ऑफ दीज कंपोनेंट में इंडिकेट, यानी अगर ये एबनॉर्मल हो, कम ज्यादा हो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर कम ज्यादा हो तो ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में इंडिकेशंस दे सकते हैं। ठीक, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में यही वैल्यूज आपको बता सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसीज, ठीक है, अगर आयरन डेफिशिएंसीज के बारे में आपको बता सकते हैं कि भाई अगर आपके खून की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में मौजूद आयरन की कमी है।
ठीक। इसी के साथ साथ बोन मैरो इश्यूज के बारे में आपको बता सकता है, ठीक है, यानी बोन मैरो इश्यूज के बारे में कैसे आपकी यही वैल्यूज कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, हम बोन मैरो इश्यूज की तरफ जा सकते हैं कि शायद बोन मैरो ही है जो हमारे न्यू सेल्स को नहीं बना रहे। टिश्यूज के अंदर इन्फ्लेमेशन है बता सकते हैं, इसी तरह इन्फेक्शन है आपके बॉडी में, यही सीबीसी के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। हार्ट कंडीशन है, हम इसी सीबीसी के जरिए मालूम कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता कोई कैंसर वगैरह है तो इन्हीं सीबीसी के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, और सीबीसी के उन्हीं वैल्यूज के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर रिजल्ट योर डॉक्टर विल ऑर्डर फॉलो अप टेस्ट टू कंफर्म एबनॉर्मल लेवल्स एंड अ पॉसिबल डायग्नोसिस, यानी इन चीजों के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए आपका डॉक्टर आपको मजीद फिर टेस्ट लिखवा सकता है। सबसे पहली बात ये होती है कि उन्होंने जो टेस्ट लिखवाने होते हैं उन टेस्ट में वो यही करता है कि आया जो आपके बॉडी में मौजूद एबनॉर्मलिटी आया है, लेवल्स ऊपर और नीचे आया है, वो उनको एक इंडिकेशन मिलता है कि ये डिजीज होगी, और फर्दर उस डिजीज को बेहतर तरीके से डायग्नोस करने के लिए वो आपको और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट रूटीन टेस्ट की तरफ चले जाएंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन इस सीबीसी तक अगर किसी को हो, समय आज फर्दर मोर जो भी बेसिक मेटाबॉलिक टेस्ट हो, ग्लूकोज टेस्ट हो, व्हाटएवर द टेस्ट आर रिमेनिंग, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है।